नमस्ते, स्वागत है आपका समाचार अड्डा पर। आज हमारे साथ भोपाल के इंटेक से कन्वीनियर माननीय MM उपाध्याय जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ उदयपुर के विकास के लिए उन्होंने जो योजनाएं तैयार की हैं वो कर रहे हैं, और हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों से उनकी क्या उम्मीद है। आइए हम जानते हैं सर से। सौरभ जी, उदयपुर मध्य प्रदेश के उन समृद्ध ग्रामों में से एक ऐसा गांव है जहां करीब 1500-1600 वर्ष की पुरातत्वीय और प्राचीन संपदा हमारे गांव में, यहां के आसपास के किले, पहाड़ और दूसरे स्मारकों में देखने को मिलती है। यहां का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर तो विश्वविख्यात है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटेक एक राष्ट्रीय संस्था है, और ये प्राचीन जो धरोहर हैं उनके संबंध में लोगों में जागृति उत्पन्न करने और उनका संरक्षण करने के क्षेत्र में कार्य करती है। भोपाल चैप्टर द्वारा उदयपुर में भी हमने यहाँ के सभी प्राचीन जो स्मारक हैं, स्थल हैं, उनका सूचीकरण किया है, अभिलेखीकरण किया है। उसका अभिलेखन हमने इस उद्देश्य से किया है कि यहाँ के लोग अपनी संपदा को, अपनी विरासत को बेहतर रूप में पहचान सकें, और पहचानने के बाद उसके संरक्षण के लिए किस स्थान, जैसे महल है, जैसे किला है, जैसे विभिन्न मंदिर हैं और दूसरे प्राचीन विरासत के स्थान हैं, उनकी हालत क्या है, उसके बारे में नागरिकों को अवगत कराएं। आज ही उसी क्रम में हमने पंचायत, तो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकगण, विभिन्न अधिकारीगण, उनके साथ बातचीत की और उनको इस बाबत की अभी तक हम जो कर रहे हैं आगे उसकी क्या पहल हो सकती है, तो नागरिकों के हमने विचार लिए, उनसे पूछा कि भाई आपको ही ये संरक्षण में मुख्य रूप से आगे आना है, अपने आप विचार दीजिए। हम जो है इंटेक की ओर से इसका अभिलेखीकरण कर एक पुस्तक के रूप में इसको नागरिकों के बीच में लाएंगे, ताकि वो भी अपनी विरासत को बेहतर ढंग से समझें, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है समझना कि क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो समझें। उसके बाद अगला चरण आएगा कि जागरूकता उत्पन्न करना, और फिर उसके विकास की बात होगी। तो ये कुछ जो मुख्य उद्देश्य था आज की बैठक का, उन पर सर ने हमें बताया। हम उदयपुर से संबंधित और जानकारी आप तक लेते आएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए समाचार अड्डा।